हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजा ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज बात करूँगी दुर्गाष्टमी के बारे में। जी हाँ, दुर्गाष्टमी में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी माँ भगवती की कृपा पाने के लिए इस दिन जरूर करें ये काम। पंचांग के मुताबिक आश्विन मास में पड़ने वाली नवरात्रि शारदीय नवरात्रि कहलाती है। वहीं नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को खास माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल कब पड़ रही है शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी 2022 डेट। शक्ति की आराधना के लिए नवरात्रि का पर्व बहुत शुभ माना जाता है। वहीं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से 4 अक्टूबर 2022 तक है। वहीं दुर्गा अष्टमी का व्रत ये 3 अक्टूबर 2022 को पड़ रहा है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा का विधान है। तो आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी के दिन कौन से काम करने से महागौरी को प्रसन्न करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन को बहुत महत्व दिया गया है। ऐसे में इस दिन नौ कन्याओं के पूजन और उन्हें हलवा पूड़ी चने का भोजन कराकर भेंट दें। मान्यता है कि इससे माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। महागौरी की कृपा पाने के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन पर माता रानी को लाल रंग की चुनरी में कुछ सिक्के और बताशे रख कर चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता है। जीवन में कष्टों से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन महागौरी माता का ध्यान करें और श्वेत वृष समारूढ़ा श्वेतंबर धारा शुचि महागौरी शुंभ थे महादेव प्रमोद मंत्र का जाप करें। दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन महागौरी माँ को श्रीफल का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए अष्टमी तिथि पर पूजा में नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। फिर भोग लगाने के बाद उस नारियल और मिठाई को प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दें। के वीडियो में महागौरी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्ट।